नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। बिहार में शाह और मात का खेल तेज हो गया है। एनडीए से बंधन टूटने के बाद चिराग को महागठबंधन में शामिल करने की कवायद राजद ने तेज कर ली है। बता दें कि लालू के दूत के रूप में राजद नेता श्याम रजक उनसे मिले और लालू से उनकी बात भी करवाने की बात सामने आ रही है। इधर वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सारण के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से मुलाकात की है। दो तीन दिन के अंदर हुई ये दोनों मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक सक्रियता बड़ी तेज बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने दूतों को विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भेजा है। चिराग से मिलने से पहले श्याम रजक मीशा भारती के आवास पर लालू प्रसाद से मिलकर आगे की रणनीति की तैयारी की। लालू प्रसाद के निर्देश के बाद श्याम रजक दलित नेताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। इसी रणनीति के तहत वो दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास से मिले और लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात करने के बाद वो चिराग पासवान से मिले। कहा जा रहा है कि श्याम रजक कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के साथ लालू प्रसाद की ओर से चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दिया है। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव से नाराज चल रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अपने पक्ष में करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को लगाया गया है। वो उनके पास लालू के दूत बनकर गए हैं और लालू प्रसाद का संदेश भी उनको दिया। इससे पहले पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह भी उनसे मिले थे। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।